प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके दुखों के बदले आपके जीवन में खुशियों को देंगे। परमेश्वर बहुत जल्द आपके जीवन के इन सारे दुखों को दूर करके आपके जीवन को खुशियों से, आनंद से, आशीषों से भर देंगे। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 119 और उसका 71 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिसमें मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। दोस्तों, यहाँ पर भजनकार कुछ इस प्रकार से कहते हैं, भजन संहिता में लिखते हैं कि मुझे जो दुख हुआ है, जो मेरे जीवन में दुख आया है, जो समस्या से मैं घिरा हूँ, जो भी परेशानी मेरे जीवन में आई है, वो मेरे लिए भली थी, वो मेरे लिए अच्छी थी, क्योंकि उस समस्या के समय में मैंने तेरी विधियों को, तेरी व्यवस्था को सही से जाना, तेरे नियमों को सही से जाना, मैं तेरी और करीबी में जा पाया। कब? जब मैं उस दुख से होकर निकला, जब मैं उस दुख में से होकर गुजरा। इसलिए मेरे लिए ये भला हुआ, मेरे लिए ये अच्छा हुआ कि मेरे जीवन में कुछ दुख आए, कुछ समस्याएं आई, कुछ परेशानियां आई। दोस्तों, इसी प्रकार से आसाम में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, कई बार जीवन में दुख इसलिए आते हैं ताकि उनके द्वारा, कि जब हम उनको पार करें तब हम खुशियों को प्राप्त कर सकें, तब हमारे जीवन में आशीषें आ सकें। जैसे यहाँ पर हम भजनकार के जीवन में देखते हैं कि कुछ दुख, कुछ समस्याएं हमें परमेश्वर की करीबी में लेकर के जाती हैं, कुछ परेशानियाँ, कुछ रुकावटें हमें परमेश्वर के और नज़दीकी में लेकर के जाती हैं, और जब हम उसकी नज़दीकी में जाते हैं तो हम उन सब से छुटकारा पा जाते हैं, हम उनसे आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि दुख के बाद परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में खुशियाँ और आनंद को देता है। हो सकता है आप इस समय दुख से होकर गुजर रहे हो सकता है आपके जीवन में ऐसा समय चल रहा हो जब आप कठिन समय से होकर गुजर रहे हो। जैसे हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो फ्राइडे को यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हैं तो लिखा है कि उनका पसीना खून के समान टपकने लगा। इतना दुख, उनका प्राण व्याकुल हो गया, वो व्याकुल हो गए, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, और उसके बाद हम देखते हैं कि उनके ऊपर बहुत अधिक दुख आया, सताव आया, ताड़नाएं आई, कोड़े मारे गए, और उनकी बेइज्जती की गई, उन पे कांटों का ताज पहनाया गया, और अंत में उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। इतना सारा दुख उनके जीवन में आया। परंतु क्या हुआ जब हम संडे मॉर्निंग में देखते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर यीशु मसीह भी इस बात को कहें, इस बात भजन संहिता को कहें कि मेरे लिए अच्छा हुआ कि मेरे जीवन में ये दुख आया, मेरे जीवन में ये अच्छा हुआ कि मेरे जीवन में ये दुख आया, ताकि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं और हमेशा हमेशा युगान युग के लिए परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ जाऊं। और उसके बाद आप जानते हैं कि सब कुछ का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया गया, और वो पहला हुआ जो मृतकों में से जी उठा, और सब कुछ अब उसके हाथों में है। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूँगा, हो सकता है आज इस समय आप यीशु मसीह की तरह दुख से होकर गुजर रहे हों, वो फ्राइडे, वो सैटरडे आपके जीवन में चल रहा हो, परंतु मैं आपसे कहूँगा वो संडे सुबह आपके जीवन में आने वाली है, वो आशीषों का दिन आपके जीवन में आने वाला है, वो छुटकारे का दिन आपके जीवन में आने वाला है, वो सुबह आपके जीवन में आने वाली है, जब आप इन सब दुखों से छुटकारा पा जाएंगे, जब आप इन समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे, और तब आप अपने जीवन में देखेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे, और भजनकार की तरह तब आप भी कहेंगे कि अच्छा हुआ मेरे जीवन में वो बात घटी थी, अच्छा हुआ मेरे जीवन में वैसा हुआ था, अच्छा हुआ मैं उन दिनों उस दुख से होकर गुजरा, क्योंकि आज मैं परमेश्वर की आशीष को देख रहा हूं, आज मैं परमेश्वर की करीबी में हूं, आज मैं परमेश्वर के साथ में हूं। आप आज प्रभु यीशु
मसीह मेरे जीवन में काम कर रहा है, आज प्रभु यीशु मसीह मुझे आशीषित कर रहा है और आज उसने मेरे जीवन को खुशियों से आनंद से भरा है। इसलिए दोस्तों आप निराश न होएं, आप दुखी न होएं, यदि आप इस समय कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, दुखों से होकर गुजर रहे हैं, धीरज रखें, प्रार्थना में लगे रहें, उसकी करीबी में जाएं, क्योंकि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है उसमें प्रभु आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं पुणे से बोल रही हूँ, मेरा नाम भाग्यश्री है। मैं प्रार्थना निवेदन दी थी मेरे पति के प्रमोशन के लिए, तो उनका प्रमोशन हो गया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैं बहुत सालों के बाद मैं 12वीं के एग्ज़ाम दिए थे, उसके लिए भी मैं प्रार्थना निवेदन भेजी थी, उसमें भी मैं अच्छे नंबर से पास हो गई। इसलिए मैं सारा आदर महिमा प्रभु को देती हूँ। धन्यवाद यीशु, जय मसीह को। और प्रिय ब्रदर अमृता सिस्टर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, जय मसीह के, आमीन। सो आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे सेनाओं के प्रभु, हमारे पवित्र राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब के रचने वाले सृजनहार परमेश्वर पवित्र यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं पिता, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं, आदर सम्मान देते परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हमें उद्धार दिया है, धन्यवाद करते प्रभु कि तो अपनी सामर्थ को हम में उंडेलता है, धन्यवाद करते प्रभु कि तो हम सबसे अगापे प्रेम करता है। लॉर्ड धन्यवाद तेरी भलाइयों के लिए, तेरे आश्चर्य कर्मों के लिए, तेरे बड़े बड़े उपकारों के लिए प्रभु जो तू हम सबके जीवनों में करता। और धन्यवाद पिता कि तेरी आवाज के लिए प्रभु, जो आवाज देकर तूने हम सबको बुलाया, अपनी भेड़ों को इकट्ठा किया प्रभु, ताकि परमेश्वर वो उस अनंत राज्य के वारिस हो जाए प्रभु, जिन्हें देने के लिए प्रभु तू आने वाला है परमेश्वर। मेरे खुदा आज जितने भाई बहन इस में शामिल है आज की शाम में मेरे प्रभु, जब वो तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, वो महसूस करे पिता कि तू उनके साथ में है। हाँ परमेश्वर, वो तेरी होली प्रेजेंस को महसूस करे, पवित्र आत्मा आप उन्हें स्पर्श करें। हालेलुया, धन्यवाद होली स्पिरिट। इस प्रार्थना में आप हम सब की अगुवाई करें, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, ध्यान को भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से इसी समय इनके जीवनों से दूर करते प्रभु। हर एक के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा का कंट्रोल मांगते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि दिन भर में आपने प्रभु सुरक्षित रखा, सहायता मदद किया प्रभु, जहां कहीं भी तेरे लोग गए हो वहां वहां प्रभु तू उनके संग संग चलकर उनकी रक्षा हिफाजत किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज प्रभु। मैं दुआ करती हूं प्रभु, बहुत से धन्यवाद के विषय हैं प्रभु जो तेरे लोग तेरे पास लेकर आए और इस समय प्रभु वो धन्यवाद दे रहे हैं पिता। इस धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण करें प्रभु। बहुत सी चिंताएं, परेशानी, बीमारियां, रुकावटें, बाधाएं और समस्याएं लेकर भी प्रभु तेरे बेटे बेटियां आ जाए हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि उनकी सुधि लेकर आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। हम धन्यवादी हैं आज के वचन के लिए, आज के हमारे आत्मिक भोजन के लिए, हाँ आज की बातचीत के लिए प्रभु, जो बातचीत तूने किया है। जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते कि ये दुख ठीक ही हुआ कि मेरे जीवन में आया। हाँ परमेश्वर पिता, जब हम दुख में, समस्या, परेशानी में होते प्रभु, तो तेरी उपस्थिति और ज्यादा हमारे साथ में, तू हमारे और करीब होता है परमेश्वर, क्योंकि तूने वचन में कहा मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा, मैं तेरे साथ में हूं, मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा और तेरी सहायता करूंगा प्रभु यीशु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज प्रभु, बहुत सारे प्रभु दुख प्रभु तेरे लोगों के जीवन में है पिता, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे दुख प्रभु यीशु मसीह इनके जीवनों में, इनके परिवारों में, इनके बच्चों के जीवन में है पिता। और जब ऐसे दुख की परिस्थिति में वो है मेरे प्रभु, तो आपसे दुआ है भजनकार की तरह प्रभु ये भी तेरे और करीब आए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि आज प्रभु यीशु मसीह इस दुख के समय प्रभु जी, लोग प्रभु यीशु मसीह आपके बेटे बेटियां परमेश्वर पिता संसार में नहीं घुले, उस परेशानी में प्रभु अपने विश्वास को कमजोर नहीं किया, वरन प्रभु तेरी उपस्थिति में वो बैठे हैं कि प्रभु तुझसे सल्यूशन पाए। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस दुख को पिता आप इनके जीवन में आनंद में बदल दें, क्योंकि प्रभु आप हमारे दुखों को दूर करने वाले और उन दुखों को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर है मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदावन, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि तू इस धरती पर आया हम सबका छुटकारा करने के लिए। आज जितने लोग भी बंधनों में हैं, आज तक प्रभु उनका छुटकारा नहीं हुआ,
बहुत सारी बातें ऐसी जो उनके लाइफ को अभी भी जकड़े हुए हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि आज इनका छुटकारा होने पाए पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस समस्या से इसका इनका छुटकारा होने पाए, इस संकट से इनका छुटकारा होने पाए, इस परेशानी से इनका छुटकारा होने पाए, क्योंकि प्रभु जब ये दुख आया है तो इसके साथ प्रभु यीशु मसीह आपने सल्यूशन भी दिया है प्रभु। आप इन्हें सामर्थ्य दें प्रभु, आप इन्हें विश्वास में बढ़ाएं प्रभु कि ऐसे दुख की परिस्थिति में प्रभु ये इधर उधर ना ताकि सिर्फ और सिर्फ तेरी उपस्थिति में प्रभु पूर्ण मन से संपूर्ण मन से प्रभु तुझ पर विश्वास करके अपने जीवन में तेरे बड़े कार्य को देख सके। धन्यवाद। आज जितनी प्रार्थना विनतियां परमेश्वर तेरे बेटे बेटियों ने दी हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता एक एक विनती के लिए कि प्रभु यीशु के नाम से इनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। इनके बच्चों के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु, आप इनके फैमिली में कार्य कीजिए प्रभु, आप इनके बिजनेस के क्षेत्र जॉब के क्षेत्र में कार्य कीजिए, आप इनके पढ़ाई के क्षेत्र में कार्य कीजिए प्रभु। जो कुछ भी प्रभु इनके लिए असंभव जान पड़ता है वो आप इनके लिए संभव करें पिता। आज जितने लोग रोगी और बीमार और परेशानी में हॉस्पिटल में है, इनके जानने वाले इनके परिवार के जन सीरियस कंडीशन में है, दुआ करते प्यारे प्रभु हर एक को आपकी उपस्थिति में रखते, हर एक जन को प्रभु आपकी हुजूरी में रखते और कहते प्रभु यीशु के नाम से उनके शरीर चंगे हो जाए, यीशु के नाम से वो बीमारी उनको छोड़कर जाए, यीशु के नाम से खुदा वो स्वस्थ हो भले चंगे हो और तेरे गवाह के रूप में खड़े हो पिता। मेरे प्रभु जी जो दुष्ट ने प्रभु इनके जीवन में बीमारियों को डाला, यीशु के नाम से उस बीमारी को हम कैंसिल करते खुदा। इसी समय तेरा वचन परमेश्वर इनके अंदर जीवित हो प्रभु और ये चंगे हो जाए प्रभु, तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए पिता। धन्यवाद। छोटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग आज जिस भी समस्या में है, जिस भी बीमारी में ग्रसित है, यीशु के नाम से उस बीमारी को मैं आज्ञा देती हूँ इनके शरीर से जाने की। इसी समय स्पर्श कीजिए, इसी समय छुटकारा दीजिए। धन्यवाद पिता, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोग जो बुरे सपने देखते हैं, डरते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गलत विचार उनके मनों में आते हैं प्रभु, रात भर प्रभु जी वो बेचैन रहते हैं, यीशु के नाम से ये समस्या दूर हो और आप इन्हें सुख भरी नींद दे प्रभु जी, ताकि नया दिन आपके साथ देख कर प्रभु तेरी बारम्बार महिमा करे प्रभु, तेरी तारीफ करे पिता। धन्यवाद। आज हम सब मिलकर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक आपने हमारे ध्यान को प्रभु एकाग्र रखा और प्रभु अपनी ओर प्रभु तूने हमारे ध्यान को बनाए रखा प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक जन पर अपनी दया की दृष्टि बनाए रखे और इनकी प्रार्थना का उत्तर दे, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।